हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आज आपको दिखाऊंगा कि जो मैकेनिकल कीबोर्ड्स होते हैं इनको साफ़ कैसे करते हैं। तो इसमें जैसे आप देख रहे हो, इसमें काफ़ी सारी डस्ट हो गई है। तो मैंने इसके पहले की फ़ोटो लेके रखी है और इसको क्लीन करने के बाद इसकी एक फ़ोटो चेक करेंगे कि कैसा साफ़ हुआ है। तो उसके लिए हमें एक टूल चाहिए जो कि मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया हुआ है, आप भी ले सकते हो। तो बेसिकली ये वो टूल है और ये अराउंड 200 रुपये का आता है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा। और इस पर 5 टूल हैं एक साथ, जो कि काफ़ी यूज़फुल है आपके और भी चीज़ों के लिए। तो जैसे आप देख रहे हो, एक तो ये ब्रश है, ब्रश से हम ऐसे क्लीनिंग करेंगे। और उसके बाद इसमें एक ये टूल है जिससे हम ये कीज़ निकाल पाएंगे आसानी से। तो मैं अभी दिखाऊंगा कि इससे कैसे कीज़ निकालते हैं। इसके अलावा इसमें ये यहाँ से ओपन होता है, ओपन होकर यहाँ से एक पेन टाइप निकलता है। इस पेन में एक ये निब है जिससे आप आईफोन के जो पोर्ट्स वगैरह होते हैं वो बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक ये ब्रश दिया हुआ है साफ़ करने के लिए, इससे आप इसका यूज़ करके आप ऐसे पोर्ट्स वगैरह साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक ये भी है, ये लैपटॉप के जो USB पोर्ट्स होते हैं उसमें आप ऐसे डाल के और वहाँ से डस्ट वगैरह निकाल सकते हैं। तो एक ये इसमें आता है, एक ये ब्रश है जिसमें ये काफ़ी सारे बाल्ब हैं, और इसमें फिर एक ये पिन है। तो हम वापस आते हैं अपने मैकेनिकल कीबोर्ड पे, ठीक है। तो इसको अभी के लिए मैं फिट कर देता हूँ। तो अभी हमें जो यूज़ करना है, हमें केवल ये चाहिए होगा जिससे हम कीज निकाल लेंगे, और हमें ये ब्रश चाहिए होगा। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। इसको ओपन करने से, इसकी कीज निकालने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि आप इसकी फ़ोटो, पूरे कीबोर्ड की एक फ़ोटो खींच कर रखिए, सो दैट उसकी जो कीज़ का ऑर्डर है वो आपको याद रहे। इनकेस आप भूल रहे हो तो आप फ़ोटो से देख के और वापस सारी चीज़ लगा सकते हो। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं कीज़ निकालना। तो कीज़ निकालने का एकदम सीधा सा फंडा है कि हमें जो भी कीज़ निकालनी है उसमें इसको ऐसे फंसा देना है साइड से, ठीक है। और ऐसे शुरू कर ये लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद बस हमें इसे खींच लेना है, ठीक है। तो ये जैसे की निकल गई, और अब हमें यही काम सेम रिपीट करना है सारी चीज़ के लिए। तो ये जैसे आप देख पा रहे हो कि हमारी सारी कीज निकलती जा रही हैं, ठीक है। तो हमें यही काम रिपीट करना है बार बार। तो दोस्तों, मैंने सारी कीज निकाल ली है, इसे आप देख सकते हो। और इसमें कितनी सारी डस्ट दिख रही है, मतलब काफ़ी रुई सा और बहुत सारी डस्ट है। मैकेनिकल कीबोर्ड्स की बात, अच्छी बात यह है कि इसमें जो भी डस्ट होती है वो अंदर नहीं जाती है, इसके नीचे ही रहती है। तो अब हम इसको सिंपली, अब हम जो भी गंदगी है बेसिकली या तो इसमें है या तो कीज़ में जो हमने निकाल ली है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको पूरा सही से क्लीन कर लेंगे। इसके बाद जो भी कीज़ लगाते जाएंगे उनकी हम सफाई करेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारी डस्ट सही से साफ हो गई है, और आप कैमरे में ये भी ना देख पाए लेकिन इसमें काफ़ी सारा ग्रीस या कंटेंट निकल रहा है, जो कि डस्ट इकट्ठा होकर ये आप देख सकते हो, इतनी सारी डस्ट है इसमें। तो ये सही से क्लीन हो पा रहा है सारी चीज़ निकालने के बाद। ऑलराइट, तो हमने इसकी काफ़ी अच्छे से सफाई कर ली है, और इसमें जो भी डस्ट थी, जो भी गंदगी थी, वो हमने अच्छे से ब्रश से बाहर निकाल ली है। तो अब ये काफ़ी साफ़ लग रहा है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो हमने जो भी कीज़ निकाली थी, मैंने उनको सीक्वेंस से रखा हुआ है, और वापस एक एक की को क्लीन कर करके इसमें फिट करना है। तो चलिए करते हैं। तो अब जैसा कि आप देख रहे हो, हमने ना सारी कीज़ वापस लगा दी हैं सफाई करने के बाद, और अब ये काफ़ी ज़्यादा क्लीन लग रहा है, जैसे फर्स्ट टाइम नया आया हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर ऐसी और ट्रिक्स जाननी है गैजेट से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।